गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लगातार जो हम वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ड्यूअल स्केलेटन इक्वेशन को आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस करेंगे, उसी बिहार पे आज हमारा और एग्जांपल है Br2+H2O2 गिव्स Br3- +H2O। ये इक्वेशन हमको गिवन है, मीडियम एसिडिक है, तो इसको हमने आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड और उसी के थ्रू जो है वो बैलेंसिंग करना है। सॉल्यूशन में स्टेप नंबर वन आपको पता ही है, दो वीडियोस में आप देख चुके हैं प्रीवियस, कि स्टेप नंबर वन हमें यही बताता है कि सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे। Br2 ब्रोमीन अपने आप में सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये मेंशन है। H2O2 में H की तो प्लस 1 होती है, ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज्यादा ऑक्सीजन शो करता है। ऑक्सीजन जब पेरोक्साइड के साथ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इट इज अ रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये लर्न करेंगे कि क्योंकि H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो -1 होगी, ये रूल है। वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -2, लेकिन पेरोक्साइड के साथ उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1 है। ब्रोमीन की यहाँ पे +5 है, आपको फाइंड करनी आती है, ऑक्सीजन की -2 ही रहेगी, वो केवल पेरोक्साइड के साथ -1 होती है। प्लस H2O में H की +1 और O की -2, ये हमारा स्टेप नंबर 1 जिसमें हम मेंशन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सारी वीडियो में आपने यही देखा। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब आप देखते हैं किसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज किया, किसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए। तो इसमें ब्रोमीन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। आगे देखिए Br0 से क्या हुआ है, +5 हुआ है, ये देख सकते हैं आप 0 से +5। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडेशन हाफ लिखा हुआ है, 0 से +5 हो रहा। इसी तरीके से H2O2 में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, और -1 से ये क्या हो रही है, -2 हो रही है, -1 से -2 हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होता है चार्ज तो रिडक्शन होता है, इसमें मैंने इसके आगे रिडक्शन मिल गया। तो स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि किसने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज किया, ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में आप ये देख रहे हैं कि Br2 0 से +5 हुआ है, यानी यहां पे Br के 2 हैं, 0 से +5 हुआ है, मतलब एक Br में 5 एटम को लूज किया है। ये लिखा हुआ है ईच Br लूजेस 5 इलेक्ट्रॉन, ईच Br लूजेस 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Br लूजेस कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहां पे आपने क्या लिख दिया है, 10e-, 10e- क्यों लिखा है, क्योंकि 0 से +5 हो रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कौन कर रहा है, एक Br 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यहां पर Br2 है, तो 2Br, जब तो 2Br कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 10, एक Br 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2Br कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 10e- यहां पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं, H2O2 gives 2H2O, यहां -1 से -2 हुआ है, इट्स मीनिंग क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है ये H2O2, ये -1 से -2 हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, -1 से -2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ है, और इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, इसलिए 2Br ने कितने किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो ये स्टेप नंबर 3 है। अब स्टेप नंबर जो हमारा 4 आएगा उसमें हम
ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। अब स्टेप नंबर, अब जो स्टेप नंबर फोर है हमारा, स्टेप नंबर फोर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस साइड हम H2O के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, यही रूल है इसमें। इक्वेशन हमारा ये Br2 gives 2BrO3+10 electron, ये इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 + 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 + 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो मुझे इस साइड क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि Br2 में ऑक्सीजन नहीं है। इधर रिएक्टेंट में लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 + 6 ऑक्सीजन, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 6H2O को ऐड करना होगा। अब 6H2O में ऐड करें तो आप यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6 ऑक्सीजन, 6 हैं और यहाँ पे 3 + 6 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आप क्या है, बैलेंस है पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के क्या है, 2 है, तो ये वाली सेकंड इक्वेशन तो बैलेंस है। हमने फर्स्ट को क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, क्योंकि यहाँ 6 ऑक्सीजन थे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थे, इसलिए हमने 6H2O यहाँ ऐड कर दिया। तो अब ये दोनों बैलेंस है ऑक्सीजन एटम के थ्रू। अब देखते हैं स्टेप नंबर 5 में बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले बताया जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है जिस साइड, उस साइड उतने H+ आयन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारी है, Br2+6H2O gives 2BrO3+10E, इसे मत देखिए आप, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इधर हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हमारे बैलेंस हैं इस इक्वेशन में। इधर देखिए यहां कितना हाइड्रोजन है, 6 × 12 H है, इधर रिएक्टेंट में कितना H है, 6 × 12, क्या इधर H है, इधर H नहीं है, तो इसलिए हम 12H यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां पे 6 × 12 H है और यहां H के एक भी नहीं है, इसलिए +12H+ मुझे ये लिखना पड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस हमने करना था, ठीक। और इसी तरीके से इधर देखते हैं आप, इसे मत देखिए, सेकंड इक्वेशन को चेक करिए। सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को हमने देखना है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 है, H 2 हाइड्रोजन है और इधर जो है 2 × 4, यहाँ प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है लेकिन रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो इस साइड मुझे 2 हाइड्रोजन और ऐड करने होंगे, इसलिए H2O2+2E+2H+ यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो मैंने इधर लिखा हुआ है H2O2+2E+2H+gives 2H2। अब दोनों ही इक्वेशन में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुके हैं और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, ये स्टेप नंबर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, जिसमें हमको इक्वलाइज करना होता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इक्वलाइज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा रिडक्शन हाफ को और ऑक्सीडेशन हाफ को, ठीक है। जो स्टेप 6 है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जो रिएक्शन हमें गिवन है, Br2+6H2O gives 2BrO3+10E+12H, ये रिएक्शन तो अपने आप में बैलेंस में। सेकंड रिएक्शन जो हमारी है, H2O2+2E gives 2H+ ion gives 2H2O, सेकंड रिएक्शन हमारी ये है। ये दोनों रिएक्शन आप देख चुके हैं, अब इसमें हमको देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होंगे। यहां देखिए आप ऊपर वाली रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, हियर इज 2 इलेक्ट्रॉन, यहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 6 स्टेप होता है ये होता ही इसलिए है कि हम इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करें, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इक्वलाइज करना है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल करना है, तो मुझे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे,
क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब हम देखते हैं जो हमारी कंबाइंड इक्वेशन आएगी, पहला क्या है Br2, ये अपनी जगह है। इसके बाद ये 5 से हमने H2O2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 5H2O2 गिव्स। अब बात आई वाटर के मॉलिक्यूल्स की, वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 5 × 10H2O और हेयर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 6H2O, तो 10H2O में से 6H2O को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया यहां 4H2O। फिर हमारा लास्ट में जो आया हाइड्रोजन आयन देते हैं, यहां हाइड्रोजन के कितने आयन हैं 12H+ और यहां हाइड्रोजन के कितने आयन हैं 2H+, तो 12H+ से 2H+ को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा ये जो 5 × 10 ये 10H+ हुए, यहां 10 के हाइड्रोजन H+ हैं, यहां 12H+ हैं, तो 12H+ में से अगर हम 2H+ को माइनस कर देंगे यानी 10H+ को सॉरी, तो 12H+ और 10H+ इसमें कितना हमारा बचेगा 2H+। और इस तरीके से ये हमारी पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन हमारे पहले ही कट हो चुके हैं, 5 × 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं और 10 इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, तो ये तो कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो है स्टेप नंबर 6 में हम इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने के लिए चाहिए होते हैं उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, इस और जो नीचे इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। और दूसरा बात आई है हाइड्रोजन आयन किस तरह से बैलेंस होते हैं, हाइड्रोजन आयन जैसे यहां पे 12H+ है और मैंने अगर से 5 से मल्टीप्लाई किया H+ को तो यहां मेरे कितने H+ बन रहे हैं 10H+, तो 12H+ और 10H+ को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा 2H+ आयन, और बाकी चीज जो है वो बैलेंस है। तो ये स्टेप नंबर 6 जो है हमारा आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड में इक्वलाइज करने के लिए होता है इलेक्ट्रॉन्स को।